हाय फ्रेंड्स, तो जो आज का लेक्चर है वो हमारा फैक्टोरियल के ऊपर है, ठीक है ना। अब एक्चुअली में ये टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है, लेकिन हम लोग इससे नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम से भी इसका रिलेशन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब आप रिलेट कर सकते हो। तो इसलिए इस चैप्टर में भी हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। शायद मैंने इसे अपलोड भी किया हुआ है काउंटिंग स्ट्रेटजीज वाले प्ले लिस्ट में, है ना। लेकिन इसमें एक और बार देख लेते हैं जरा ढंग से, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आगे चल के कई क्वेश्चन होंगे जो इससे रिलेट करेंगे, तो आपको बेसिक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, इसीलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी अगर डिस्कस नहीं किया तो आगे जाके प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, अच्छे अगर जो प्रॉब्लम होंगी, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम पे, कंसेक्यूटिव नंबर्स पे, डिविजिबिलिटी पे, यूनिट डिजिट्स पे, ठीक है ना। तो इसीलिए, ठीक है, अब देखिए अबाउट फैक्टोरियल में सबसे पहली चीज, एन फैक्टोरियल होता क्या है, एन फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं, ये लिखा है एन फैक्टोरियल, ठीक है। इससे डिनोट करते हैं ऐसा, आगे एक ऐसा मार्क होता है एक्सक्लेमेटरी का, या फिर एल जैसा साइन, ठीक है, ये इसका नोटेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। मतलब क्या होता है, वन फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, वन। टू फैक्टोरियल मतलब कि वन से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, टू तक। थ्री फैक्टोरियल का मतलब है वन इंटू टू इंटू थ्री, सेम। फोर फैक्टोरियल का मतलब है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। वैसे ही एन फैक्टोरियल अगर लिखा होगा तो आप क्या करोगे, कहां तक जाओगे, एन तक जाओगे। अब एन एक्चुअल में क्या होगा, एन कोई नंबर होगा, तो जो भी नंबर होगा वहां तक जाओगे, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू, ऐसा करते करते, और ये कहां पे खत्म हो रहा होगा, थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। तो ये कुछ इसके सिंपल बेसिक्स बेसिक्स थे, ठीक है। कुछ इसके रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो पहला रिजल्ट, n फैक्टोरियल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब ये कैसे आया, यहां पे देखिए, n इंटू यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो ये n माइनस वन नंबर्स का मल्टीपल है, कंसेक्यूटिव, है ना। तो ये n माइनस वन का ही तो फैक्टोरियल होगा, यही मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, होपफुली क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अगला वाला सेम में अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, ठीक है, इसी में ही अगर मैं देखूं तो इसी को मैं और भी क्या लिख सकता हूं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल, ठीक है ना भाई। एन माइनस वन के बाद में एन माइनस टू भी ले सकता हूं, तो इन दोनों को लिखने के बाद में ये भी मेरे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, तो भी क्या होगा, एन माइनस टू का फैक्टोरियल, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। अगली चीज, अगर मुझे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एन फैक्टोरियल होगा मतलब कि वन से स्टार्ट हो रहा होगा और कहीं तक जा रहा होगा, ठीक है। मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं कि एन मेरा आर से बड़ा है, ये मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। तो n मेरा r से बड़ा है, n जा रहा होगा 1 से n तक और r जा रहा होगा 1 से r तक, इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, 1 into 2 into 3 up to, अब n r से बड़ा है तो बीच में r डेफिनेटली आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा, उसके बाद में अगला नंबर क्या होगा, r प्लस 1 होगा, और ये कहां तक जा रहा होगा, अब
n तक, कहां तक 11 होगा, n तक, ठीक है। अब नीचे देखिए, r फैक्टोरियल कहां से स्टार्ट हुआ होगा, 1 से स्टार्ट हुआ होगा, और कहां तक जा रहा होगा, r तक। अब देखिए यहां तक तो कैंसिल हो गया, कहां तक, ये पूरा नंबर r ये वाले से कैंसिल हो गया, है ना। और मेरे पास में क्या बचा है, r प्लस 1 से n तक का मल्टीपल, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल क्या होता है, r प्लस 1 से n तक के नंबर्स का मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको अगर दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तक की चीजें तो कट जाएंगी, 3 फैक्टोरियल तक की चीजें तो कट जाएंगी, r प्लस 1 मतलब कि 3 प्लस 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, n तक मतलब कि 7 तक, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो 4 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 7 तक, ठीक है। होपफुली ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी, ठीक है ना। अब अगला ऐसे ही होती है, कुछ और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि m प्लस n का फैक्टोरियल m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ध्यान रखना है। सेम m इंटू n का फैक्टोरियल m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल नहीं होता है। सिमिलरली k इंटू n होल का फैक्टोरियल k इंटू n का फैक्टोरियल नहीं, ये भी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, तीन चीजें, ठीक है ना, कि ऐसा आप यूज नहीं करो बार बार, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। अब आगे तो इसी में आगे कुछ चीजें और है, जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, तो सिंपल सिंपल पहले क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहला एक टाइप होता है कि आपका, आपको अगर एक्सपोनेंट निकालना हो, प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालना हो n फैक्टोरियल में, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, एक दो बच्चों ने कमेंट में भी ये डाला हुआ था, तो उसी से ही मुझे हिट किया कि यार ये मुझे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप लोगों को डाउट है तो डेफिनेटली क्लियर हो जाए अभी तो बेटर है ना। तो प्रियारम्भ के आने वाले टॉपिक में हमको थोड़ा सा आसानी होगी। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल, ये नंबर लिखा हुआ है, ध्यान रखना। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको प्रॉब्लम कैसा आएगा, जैसे कि सिंपल सा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, मतलब 2 की पावर्स बताना है, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 10 भी कोई एक नेचुरल नंबर है, तो 2 की मुझे पावर बताना है कि 10 फैक्टोरियल में कितनी होगी, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मुझे क्या करना है, कोई भी नंबर अगर n दिया हुआ है तो उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, और कोशेंट का सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, क्या करना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट, n बाय p का सिर्फ ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब कि सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए। सेम प्लस अगली बार n को मुझे p स्क्वायर से डिवाइड करना है और सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, अगली बार n को p क्यूब से डिवाइड करना है और सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, ऐसा तब तक लेना है जब तक कि इंटीजर पार्ट जीरो ना आ जाए,
है ना भाई, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरा 0 point something डिवाइड हो रहा होगा, इस तरीके से जो आंसर आ रहा होगा वो 0 point something आ रहा होगा, उसका इंटीजर पार्ट 0 होगा, तो बस वहां तक जाके लेना है मेरे को, ठीक है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कितना आ रहा है, थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं, सॉल्व करूं तो ये कितना आ रहा है, ये 10/2, 10/2 square, 10/2 cube, इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद ये 16 हो जाएगा, और 10 को 16 से डिवाइड करूंगा तो 0 point something आएगा, है ना, तो वो काम का नहीं होगा, ठीक है। अब इसी को मैं अगर देखूं तो ये कितना दे रहा है, 10/2 मतलब कि 5 प्लस 10/4 2.5, तो 2 लेना है, और 10/8 1.125, तो 1 लेना है, तो ये कितना आ गया, 5 2 8, 5 2 7 और 1 8, तो 2 की पावर 8 है, कितना एक्सपोनेंट है, 8 है एक्सपोनेंट, है ना, 2 की पावर 8 मेरी टोटल बन रही है, ये मेरा आंसर है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 10 factorial को मैं लिख लेता हूँ, 10 factorial जो होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब मुझे देखना है 2 की कितनी कितनी पावर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए भाई, आप क्या 2 के मल्टीपल देखोगे तो कितने होंगे, 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, 5 ये होगा, 5 होंगे, ठीक है। अब देखिए एक एक टिक लगा देता हूं, ठीक है, तो ये 2 की पावर कितनी दे रहा है मेरे को, 5। पर आप एक बार और सोचिए कि यहां पे 2 square के भी तो फैक्टर आ रहे होंगे, तो 2 square में तो एक और 2 एक्स्ट्रा आ रहा होगा, एक और 2 एक्स्ट्रा आ रहा होगा, मतलब कि मेरे को 4 के मल्टीपल भी देखना चाहिए। तो 4 के मल्टीपल में आप देखोगे तो 4 के मल्टीपल में कौन आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है और एक 8 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, है ना, जिसमें एक एक 2 मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, तो एक एक 2 और ले लेता हूं, तो कितना, एक यहां पे और एक यहां पे, तो ये आ गया 2 square। अब 2 की पावर 3 वाले भी आ रहे होंगे, तो 2 की पावर 3 कौन, एक ही आ रहा है, जिसमें से 2 मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, एक यहां पे ले चुका हूं, एक यहां पे ले चुका हूं, तो एक और मैं ले रहा हूं यहां पे, इसके बाद में खत्म हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कितना आ रहा है, 5 + 2 + 1, अभी देखिए 5 + 2 + 1 यहां पे भी था, है ना, तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 8, ठीक है। ये एक लॉजिक था सिंपल सा, तो ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं आपको 100 बोल देता या 50 70 ऐसा बोल देता तो आप बहुत लंबा बढ़ जाता, इतने नंबर्स आप नहीं लिख पाते, तो उससे उसके लिए जो शॉर्टकट है वो ये, ठीक है, आपको क्या करना है, कोशेंट का इंटीजर पार्ट बस देखना है और उनको ऐड करना है, ठीक है ना। तो बस ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम करते हैं, ट्राई दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, ओके। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाँ ये है मेरा अगला प्रॉब्लम, एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 50 factorial, करना क्या है सिंपल, 50 को 3 से डिवाइड करना है और इंटीजर पार्ट लेना है कोशेंट का, 50 को 3 square से डिवाइड करना है और इंटीजर पार्ट लेना है कोशेंट का, 50 को 3 cube से डिवाइड करना है और इंटीजर पार्ट लेना है। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 27 के बाद नहीं जाएगा, क्योंकि 27 के बाद में आता है 3 की पावर 4 जो कि होता है 81, 81 50 से बड़ा है और वो 0 point something में ले जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा इंटीजर पार्ट, खैर ठीक है, इसे कहते हैं 50 से ये कितनी बार जाएगा, 16 times, 9 से ये कितनी बार, 5 times,
और ये कितनी 1 टाइम्स, तो ये टोटल कितना हो गया 22। तो 3 का कितना एक्सपोनेंट है 22। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया हो इतना, है ना, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये है मेरा अगला प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। तो जो नंबर ऑफ जीरोस है ना, वो एक्चुअली में क्या बता रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ 10, क्या बता रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ 10। इनडायरेक्टली वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि 10 का एक्सपोनेंट क्या है, क्योंकि 10 ही तो एक जीरो देता है ना, किसी भी नंबर के एंड में एक जीरो कैसे मिलता है, मल्टीपल ऑफ 10 से। तो मेरे को एक्सपोनेंट ऑफ 10 निकालना है। ठीक है, अब देखिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ये होता है मेरा फॉर्मूला जिसमें ये पी प्राइम नंबर है जिससे मुझे डिवाइड करना है या जिसका एक्सपोनेंट फाइंड करना है। लेकिन 10 तो मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है, 10 मेरा क्या प्राइम नंबर है, 10 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं इसके फैक्टर करूंगा, वो होंगे 2 × 5, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो मैं 2 के भी देखूंगा 5 के भी देखूंगा। और आप लॉजिकली सोचिए, 2 के अगर मैं निकालूंगा पावर्स तो 2 की पावर ज्यादा आ रही होंगी, 5 की एक पावर निकालूंगा तो 2 से कम आ रही होंगी। अब 10 बनाने के लिए मुझे 2 × 5 पेयर में चाहिए, तो जितने 5 होंगे उतने 2 के साथ पेयर बन जाएंगे, बाकी तो एक्स्ट्रा 2 आ रहे होंगे, वो 5 के साथ पेयर नहीं बना पाएंगे तो 10 भी नहीं बना पाएंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? तो मुझे 10 का एक्सपोनेंट पता करने के लिए किसका एक्सपोनेंट पता करना है, 5 का, क्योंकि 5 के पावर 5 के एक्सपोनेंट कम आएंगे और वो 2 के साथ पेयर बना लेंगे, बचे हुए 2 पेयर नहीं बना पाएंगे, तो 10 का पेयर नहीं मिलेगा, 10 का एक्सपोनेंट नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए आप, जैसे देखोगे आप 2 का अगर देखोगे तो 2 के केस में कितने बन रहे होंगे, है ना, ये 1 से 2 की पावर 1 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा, 6 होता है 64, 64 के बाद में 128 होगा, तो उसके बाद तो नहीं होगा, तो यहां से देखता हूं ये कितने कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा होगा, 75, 85, 87 और 3 90 और 97, तो ये कितना आ रहा होगा, 97, 2 की पावर 97 आ रही होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं 5 के देखने जाऊंगा, बस इसके बाद नहीं जाएगा, 5 क्यूब करूंगा तो 125 हो जाएगा, तो वो तो नहीं जाएगा। तो ये कितना दे रहा है, 20, और 25 से कर रहा हूं तो ये कितना दे रहा है, 4, तो ये कितनी हो गई, 24, तो 10 की पावर 24 बन रहा है, मतलब कि 24 जीरोस होंगे, है ना, किसके एंड में, 100 फैक्टोरियल के एंड। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया, 24 जो 25 की पावर 24 है वो 2 की पावर 24 के साथ में पेयर बना लेगी, बाकी के साथ में पेयर नहीं बना पाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन का टाइप था जो कि आपको आ सकता है, जनरली ये पूछा जाता है, है ना। ठीक है, अब ये है मेरा अगला प्रॉब्लम, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन प्रोडक्ट दिस। ठीक है, वापस जो इसमें मुझे जरूरत होगी वो किसकी होगी, 5 के एक्सपोनेंट की, किसकी, 5 के एक्सपोनेंट की, डेफिनेटली 2 का एक्सपोनेंट इनमें क्या आ रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, 5 का एक्सपोनेंट कम आएगा। ठीक है, तो 5 का एक्सपोनेंट पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कौन कौन देगा भाई, जितने भी 5 के मल्टीपल होंगे वही देंगे, तो ये 5 की पावर 6, एक तो 5 की पावर 6 दे रहा होगा, और कौन दे रहा होगा, से ये नहीं दे रहे होंगे, 9 नहीं, 10 दे रहा होगा।
10 की पावर कितनी आ रही होगी, 11, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, तो इसी तरीके से 10 की पावर 11, 10 के बाद में 15 आ रहा होगा तो 15 की पावर 16, 20 आ रहा होगा तो पावर 21, 25 आ रहा होगा तो 26, 30 आ रहा होगा तो 31, ठीक है। अब इसमें 5 की पावर 6 में कौन होगा, 6 होंगे 5 के एक्सपोनेंट, 15 में 5 के कितने होंगे 16, ऐसे ही 20 में कितने होंगे 21। अब यहां पे देखिए 25 में एक 5 के 26 है, तो दो 5 के कितने होंगे 2 into 26, भाई 25 एक्चुअल में 5 का स्क्वायर है, तो आप क्या लिखोगे 2 into 26। और अगला वाला क्या, इसमें इसमें 5 के एक्सपोनेंट कितने होंगे 31, ठीक है ना। तो जब आप इन्हें काउंट करोगे, ऐड करोगे, तो ये कितना आ रहा होगा 137, ठीक है। तो ये होंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये है मेरा अगला वाला प्रॉब्लम, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 200 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस वाले को देखते हैं। अब देखिए 80 तो मेरा क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, है ना। 80 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 5, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब 2 की पावर 4 मतलब मैं ऐसा करता हूं कि 2 की पावर्स निकाल लेता हूं और देखता हूं 2 की पावर 4 के पेयर कितने बन रहे होंगे, ठीक है। तो 2 की पावर जैसे मान लीजिए मेरी टोटल आ गई 125, तो मैं देखूंगा 2 की पावर 4 के पेयर कितने बन रहे होंगे, तो मैं 125 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, जितने बन रहे होंगे, जितने पेयर बन रहे होंगे उतनी बार वो डिवाइड हो रहा होगा, जितना एक्स्ट्रा बचेगा उसे छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। तो अपना पहला पर्पस क्या है, 2 की पावर 2 की पावर्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं 5 का भी निकाल के देख लूंगा कि यार इसमें से कम कौन आ रहा है, जो कम आ रहा होगा उसका पेयर उतने बन रहे होंगे, है ना, ठीक है, करते हैं, ठीक है। अगर अभी आपको अगर बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तो धीरे धीरे हो जाएगा, जब मैं इसे लिखूंगा फॉर्म में तो ये क्या आ रहा होगा, 2 की पावर 7 तक ये जा रहा होगा, ठीक है। इसके देख लेते हैं तो कितने आ रहे होंगे 100, 100, इन सब को मुझे ऐड करना है, तो ये जो टोटल होके इसका एडिशन मिलेगा वो कितना मिलेगा 197। अब 190 ये है 2 की पावर 197, 2 की पावर 4 के पेयर देखना है, तो 4 से इसको डिवाइड कर दूं, है ना। और इसका इंटीजर पार्ट देख लेता हूं, तो इंटीजर पार्ट कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 25, तो 100 टाइम्स जाता है, और 200 जाता है कितनी बार, 50 बार, तो ये 49 टाइम्स जा रहा होगा, कितनी बार 49, और कुछ डेसिमल पार्ट आ रहा होगा, तो डेसिमल पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, 0.25 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 49 पेयर बन रहे होंगे 2 की पावर 4 के, ठीक है। तो इतना तो कम, इतना तो आ रहा होगा, एक बार 5 का भी देख लेते हैं, ये वाला जो है, ये वाला कितना दे रहा होगा 40, ये दे रहा होगा 8, और ये दे रहा होगा 1, ठीक है। तो ये भी कितना बन रहा है, ये भी 49 ही बन रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, ये भी 49 ही बन रहा है। तो एक्चुअल में 80 की पावर कितनी आ रही है, 49 आ रही है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट कितना आ गया मेरा, वो आ गया 49, ठीक है। तो आपको अगर 80 दिख रहा है तो आप ऐसा फैक्टराइज करोगे
दोनों से निकालने की कोशिश करोगे, दो आ रहे हैं तीन आ रहे हैं, ठीक है, और कोशिश करोगे जो मुझे कम दे रहा हो उस वाले का मैं लूँ, ठीक है। जैसे मुझे लगा था 2 की पावर 4 वाले का कम आ रहा होगा, है ना, तो एक्चुअल में वो इक्वल आ गया, तो अगर इसका कम आ रहा होता तो इसका लेता, है ना, क्योंकि कम वाले के पेयर बन जाते, कंप्लीट हो जाते, ज़्यादा वाले के पेयर नहीं बन पाते, वो एक्स्ट्रा रह जाते, ठीक है ना। होपफुली आपको क्लियर हुआ इतना।